सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आनंद सर है, हर्षद सर है और मैं खुद हूँ। हाय, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू, उसकी पढ़ाई कैसे करना है, उसके बैचेस कब होंगी, कैसे होगी और प्रिपरेशन कैसी करना चाहिए, इस बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए आपके साथ में हैं। आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन की क्लासेस खत्म होने वाली है और उसके बाद में यू हैव टू ज्वाइन क्लासेस फॉर ग्रुप टू। उसकी प्रिपरेशन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है जितना कि ग्रुप वन का था। आप सभी जानते हैं आपका अटेम्प्ट जो है नवंबर या हो सकता है दिसंबर, डिपेंड्स कब है, दिसंबर हो सकता है, जनवरी में भी हो। तो दोस्तों, अब उस अटेम्प्ट को हमें क्रैक करना है, तो उस बारे में आपको गाइडेंस देने के लिए माननीय सम्मानीय लोग आपके सामने, आनंद सर हर्षद सर दोनों भी मौजूद। तो आप दोनों का भी, आनंद सर हर्षद सर आपको दोनों का भी आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कुछ सवाल है जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं, मैं आपको दोनों को पूछूंगा, आप जरूर इन सवालों का जवाब दे ताकि बच्चों का जो कंफ्यूजन है रिगार्डिंग क्लासेस, रिगार्डिंग पढ़ाई, रिगार्डिंग एक ग्रुप दे, दो ग्रुप दे, कैसे क्लासेस होगी, ओटीटी क्या होता है, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, लाइव स्ट्रीमिंग करना क्या है, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो आई आस्क यू ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो आर यू रेडी? यस सर। ओके ओके, फर्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल। पहला सवाल मेरा हर्षद आपसे है कि ये जो क्लासेस चालू होने वाली है वो जो 15th जून से लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग लेने वाले हैं, तो क्या जिन लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग नहीं लेना तो क्या वो लोग गूगल ड्राइव में, पेन ड्राइव में, ओटीटी में भी देख पाएंगे? एब्सोल्युटली यस सर, जो बच्चे अभी लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं लेना चाहते हैं तो वो लोग पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में और ओटीटी फॉर्म में ले ही सकते हैं। और उनका एक मेजर कंसर्न ये भी रहेगा सर कि इसमें हम लोग को कौन से लेक्चर्स मिलेंगे, तो बच्चों आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो अभी लाइव स्ट्रीमिंग में हमारी जो बैच हो रही है जिसमें लेटेस्ट लेक्चर्स रिकॉर्ड होने वाले हैं, तो वही लेक्चर्स आपको पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव या ओटीटी फॉर्म में भी मिले। सो यू नीड नॉट वरी कि हमको सर पुराने लेक्चर्स मिलने वाले हैं या क्या, आपको एब्सोल्युटली न्यू फ्रेश 2021 के रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बिल्कुल। इधर और एक चीज ऐड करूंगा मैं अर्शद, एक और चीज ऐड करूंगा सर, इधर ये लेक्चर्स अवेलेबल होंगे फ्रॉम थर्ड डे। तो फॉर एग्जाम्पल आज अपनी बैच हो रही है, आज लेक्चर हुआ, राइट, तो तीसरे दिन उनको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अगर वो गूगल ड्राइव या ओटीटी लेते हैं तो उनको ऐसा चिंता करने की बात नहीं है कि मुझे लेट मिलेंगे लेक्चर्स, नहीं। तो अगर मान लो लाइव का सिलेबस 3 दिन पहले खत्म होगा और ओटीटी और ऑन ड्राइव लेक्चर्स के सिलेबस 3 दिन बाद खत्म होगा, सही है ना? परफेक्ट, बेस्ट। तो yes, कहने का मतलब है कि जो 15 को लेक्चर होने वाला है वो 17 तक गूगल ड्राइव के फॉर्मेट में और ओटीटी में आ जाएगा और वो देख पाएंगे। अगर आप पेन ड्राइव ऑप्शन चूज करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि जहां पे आपको लेक्चर्स मिलते जरूर यही है पर थोड़ा सा लेक्चर्स थोड़ा बैच वाइज मिलते हैं, यानी कि फर्स्ट पेन ड्राइव आपको मिलेगी यू नो इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, देन द सेकंड पेन ड्राइव विल गेट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, लाइक दैट। अगेन इट इज ऑल अप टू यू, आपके पास में इंटरनेट का कनेक्शन कैसा है, आपको कौन सा फिजिबल है, इट इज ऑल अप टू यू। बट कहने का मतलब है कि सारे, चाहे वो मोड ओटीटी का हो, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव हो, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग हो, सभी में एक जैसे ही लेक्चर है, सभी के किताबें सेम है, सभी के पढ़ाने वाले सेम है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, बस आपको आपका कन्वीनियंस देखना है। अनंत सर, इधर जी जी, एक और पॉइंट ऐसा था सर कि अभी के समय में, अभी कुछ बच्चों से मेरी बात हो रही थी जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, सारे बच्चे सर ऑनलाइन कर रहे हैं, राइट, आर्टिकलशिप ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब सारे कामकाज, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह भी ऑनलाइन हो रही है। तो मैं बच्चों से ये कहूंगा कि ये जो अवसर है या जो प्रॉब्लम्स है इसको अवसर में कन्वर्ट करें और ऑनलाइन में अरेंजमेंट करें और उससे अभी पीछे ना रहे कि भाई मैं ऑनलाइन कैसे करूं वगैरह। सो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि यू नो अरेंज फॉर द इंटरनेट कनेक्शन एंड डू वॉच द लेक्चर्स, दैट्स व्हाट आई वुड टेल देम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आनंद सर, आपसे अगला प्रश्न है कि 15th जून से हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग बैच होगी वो कब तक चलेगी, ग्रुप 2 के चारों सब्जेक्ट्स कब तक खत्म हो जाएंगे? सर वैसे होता ऐसा है कि अपना जनरली टेन्योर है सर 2.5 से 3 महीने के दरमियान अपन कंप्लीट करेंगे, बट कभी कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई प्रॉब्लम्स की वजह से 2.5 से 3 महीना इस तरीके से हम उसको बता रहे हैं। तो अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करें। सो 2.5 से 3 महीना बच्चा मान के चल सकता है कि उसके बीच में सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाना चाहिए। और रोजाना हम लोग हर सब्जेक्ट लगभग 1.5 से 2 घंटे का लेंगे? यस यस सर जी, एट एन एवरेज 1.5 से 2 घंटा या 2.25 घंटा भी। चलो ठीक है, वेरी गुड। हर्षद आपसे सवाल है, अगर मान लो स्टूडेंट्स आज रजिस्टर करना चाहते हैं तो क्या होता है उसके बाद में, मतलब कितने दिनों के अंदर बुक्स उनको डिलीवर हो जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि कब हमें बुक्स मिलेंगे। राइट, तो बच्चों देखो कैसा है ना, आप जैसे ही एडमिशन्स ले लेते हो इट टेक्स
कंफर्टेबली अ वीक्स टाइम कि आपको आपके घर तक आपको बुक्स डिलीवर करने के लिए एक हफ्ते भर का समय लगता है. बट वॉट वी एमएसपीसी आर डूइंग वन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जॉब इज दैट कि जैसे जो फर्स्ट चैप्टर होता है जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो आपको वो फर्स्ट चैप्टर के नोट्स जो है और स्टार्टिंग के एक 8-10 जो लेक्चर्स है हम लोग वो यूट्यूब पे डालते भी है. तो जब आपको एक हफ्ते भर में जब तक आपको वो लेक्चर्स आपको वो बुक्स जब तक डिलीवर हो रही है तब तक हम आपको पीडीएफ जो है फर्स्ट चैप्टर का और फर्स्ट चैप्टर के जितने भी वो लेक्चर्स है 8-10 लेक्चर्स आपको यूट्यूब स्वप्निल पटनी चैनल पे आपको मिलेंगे. तो आपने जैसे ही एनरोल कर लिया आपकी पढ़ाई बॉस कहीं नहीं रुकेगी. फ्रॉम द डे यू टेक योर एडमिशन यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट व्यूइंग द लेक्चर्स विथ नोट्स कंफर्टेबली विदाउट लॉस ऑफ टाइम. ओके एब्सोल्युटली. आई वुड ऐड वन मोर थिंग हियर सर. Okay, okay. बच्चे क्या करते हैं कि सर एडमिशन कई बार लेट होता है तो यूट्यूब पर वो लेक्चर तो देख पाते हैं बट उनको बुक्स डिस्पैच करने के लिए एडमिशन लेना लगभग जरूरी हो जाता है. तो होता क्या है कि बच्चा जब एडमिशन लेट लेता है तो बुक्स डिस्पैच लेट हो जाती है जिसकी वजह से स्पेशली ऑडिट सब्जेक्ट है एएसएसएम है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इसके अंदर जो अंडरलाइन करना है या जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने तो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं. तो मैं बच्चों से यही कहूंगा कि यू नो कि इसमें ज्यादा देरी ना करें, जितना जल्दी हो उतना आपके लिए बेहतर होता है. यस करेक्ट. द सूनर यू ऑर्डर the sooner the books will be delivered to you guys. Absolutely, absolutely. Guys, आप सभी ने group 1 की classes SPCS की and you have understood the way we teach. I'm sure आप सभी को बहुत मजा आया होगा. और जाहिर सी बात है कि group 2 में भी आपको उतना ही मजा हम लोग कराने वाले हैं. Where I am going to teach ESSM and FME को हर्षद सर पढ़ाएंगे आपको audit और आनंद सर advanced account पढ़ाएंगे. और मैं आपको कह रहा हूँ एक this is the best team ever, you know, जहाँ पे हम लोग पूरा डेडिकेशन के साथ में आपको पढ़ाते हैं, ना किसी पढ़ाते हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअली घुस जाते हैं उसके अंदर और उसका पूरा एकदम क्या कहें आपको कि वी ट्राई टू रिलेट एवरी कॉन्सेप्ट विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. उसके साथ साथ में उसकी रेगुलर रिवीजन हो जाती है बहुत सारी. वी ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग इन द क्लास इटसेल्फ. वी ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग इन द क्लास इटसेल्फ मेनी टाइम्स. और साथ साथ में क्लास में फिर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच लेके हम लोग आईसीए के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं. पेपर भी आपके टेस्ट भी क्लास में कवर हो जाते हैं. तो इट इज अ कंप्लीट पैकेज. जब कोई पूछता है क्लास लगा रहे हैं तो मैं बोलता हूं इट इज नॉट ओनली क्लास, इट इज नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. अलोंग विद दैट यू नो आपका रिविजन खत्म हो रहा है, आपके आईसीए के पेपर खत्म हो रहे हैं. यानी कि हम लोग लगभग कोशिश करते हैं कि पूरी सिलेबस यहाँ पे ही क्लास में खत्म हो जाए और बच्चों का बर्डन घर पे जाने के बाद में बहुत कम से कम हो. So, अगला सवाल अनंत सर आपके लिए है कि कई स्टूडेंट ये पूछते हैं सर अभी एक ग्रुप दे या दो ग्रुप दे, आपकी क्या राय है इसमें, क्या करें बच्चे लोग? सरकार यार इसका आंसर बहुत सिंपल है इस बार तो. आई कैन टेल यू कि बच्चों ने अगर प्लान करना है तो बोथ ग्रुप्स ही प्लान करना चाहिए. क्योंकि सर देखो अभी पिछली बार जिन्होंने ग्रुप 1 प्लान किया होगा उनको 2 साल लग गए सर सेकंड ग्रुप क्लियर करने के लिए. और अगर मान लो गलती से ग्रुप 1 में फेल हो गए तो क्लासेस करने के लिए सर उनको अवसर ही नहीं मिला क्योंकि एग्जाम्स की डेट जिस तरीके से पोस्टपोन हुई वो क्लास कर ही नहीं पाए सर. सो ये तो दिमाग से निकाल, 2 साल लग गए सर बच्चों को. और दूसरी चीज क्या है सर, मैंने देखा कि पिछली बार जो बच्चे पास हुए जो बोथ ग्रुप्स, तो उन सभी लोगों को आर्टिकलशिप इतनी अच्छी जगह लगी सर, भरोसा मानिए उनका करियर सेट हो गया. तो क्या है कि जब आपदा आती है या जब प्रॉब्लम्स होती है तो उस समय ऐसे दुबक कर नहीं बैठ जाना है. उस केस में यू नीड टू यू नो डू व्हाट इज करेक्ट. तो आर्टिकलशिप के एंगल से अगर हम देखेंगे तो सर आज की तारीख में पुणे की तो बात बता दूं कि जो भी बड़ी फर्म से जहां पर अच्छा काम चलता है या जो अच्छा काम देते करते हैं उस जगह पे आपके दोनों ग्रुप्स क्लियर करना अनिवार्य है, ऑलमोस्ट लाइक अनिवार्य. सो आई वुड से सजेस्ट दैट दे शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स. और कंफर्टेबली हो रहा है ना सर, अब थोड़ी सी मेहनत करने से अगर पीछे हटोगे तो फिर तो कोई चीज आसान नहीं है सर, एलकेजी डिफिकल्ट है. करेक्ट है, करेक्ट है. और साथ ही साथ बच्चों इसमें यह है कि आर्टिकलशिप का एक बेनिफिट जो आनंद सर ने कहा वो तो है ही है, प्लस दूसरा जो एक बहुत और मतलब एक एडेड बेनिफिट जो है कि जैसे इंटर ग्रुप सेट ऑफ करके एक चीज होती है जब आप दो ग्रुप अटेम्प्ट करते हो साथ में. सो देर इज अ फैसिलिटी विच इज गिवन बाय आईसीए दैट इज कॉल्ड एज इंटर ग्रुप सेट ऑफ. मतलब आप फर्स्ट ग्रुप में सारे सब्जेक्ट्स आप क्लियर हो और आपका एग्रीगेट नहीं बन पा रहा है, जो आपका 400 का टोटल है मान लो आपका 390 बन रहा है और आप ग्रुप टू भी साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट कर रहे हो एंड इन द सेकंड ग्रुप यू हैव स्कोर्ड लाइक 420-430, तो अब आपका फर्स्ट ग्रुप जो 390 में एग्रीगेट की वजह से रह गया है आपका सेकेंड ग्रुप के एक्स्ट्रा मार्क्स वो उसके अंदर सेट ऑफ हो जाते हैं एंड यू कैन क्लियर बोथ द ग्रुप्स. अगर आप सिर्फ ईदर ऑफ द ग्रुप दोगे सिर्फ ग्रुप 1 या ग्रुप 2 तो समझो ये इंटर ग्रुप सेट ऑफ का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी एडवांटेजियस थिंग, इट इज इन योर फेवर, यू शुड थिंक ऑन दैट एज वेल.
और ऐसी भी बात है आपसे ग्रुप टू भी अगर क्लियर हो जाते हैं और ग्रुप नहीं ग्रुप वन नहीं क्लियर होते फिर भी आपका आर्टिकलशिप चालू हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ग्रुप टू में पास होने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ग्रुप टू के क्लासेस होने के बाद जो एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होता है बहुत ही कम होता है, यू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, सो पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग इन ग्रुप टू इज वेरी हाई कंपेयर टू ग्रुप वन। अगर हम लोग एग्जामिनेशन के और क्लासेस के टाइम गैप की बात करेंगे, आपको बहुत सारी चीज आपके दिमाग में रह जाती है। और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बैचेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 15th ऑफ जून से लाइव स्ट्रीमिंग, फिर साथ साथ में गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ऑल दैट, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आने वाले 5 तारीख तक अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक प्री बुकिंग के ऊपर एक खास एक आपके एक लॉयल्टी ऑफर दिया जा रहा है। तो प्लीज अगर आपने श्योर कर लिया, आपको पता ही कि एसपीसी से ही करना है, हाँ अगर आपको श्योर नहीं था डिफरेंट बात, अगर आपको श्योर है कि आपको यही करना है सो व्हाई आर यू लूजिंग द अपॉर्चुनिटी वेयर यू विल बी बेनिफिटेड, आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। 5th ऑफ जून के पहले आपने अपने आपको रजिस्टर करना है। और साथ साथ में अगर आपको थोड़ी बहुत भी अभी हेज बाकी है कि नहीं पता नहीं एसपीसी कैसे पढ़ाएगा क्या पढ़ाएगा, डेमो लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच ऑल द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, आई मीन सभी सब्जेक्ट के 10-10 लेक्चर हमने यूट्यूब पे डाले, सो दैट एवरीबॉडी हूएवर इज इन हैविंग डाउट कि ज्वाइन करे नहीं करे, कैसे पढ़ाते क्या करते कैसे तरीका होता है, कभी कभी शब्दों में हम फैकल्टीज को बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम लोग पढ़ाते कैसे, सो अनलेस अंटिल यू वॉच दोस लेक्चर्स यू वॉच दोस डेमो लेक्चर्स यू नो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द वे इट इज, अब हम लोग कैसे बताएं, हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाते, बट आप अगर देखोगे तो आपको जरूर महसूस होगा। तो जरूर उन लेक्चर्स को भी देखें, उनके लिंक्स जो है इन YouTube पर भी मैं अब इस लेक्चर के बाद डाल दूंगा, सो दैट यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द डेमो लेक्चर्स इमीडिएटली। तो और नहीं तो और तो और सर क्या कर सकते हैं ना बच्चे की, कोई भी रैंडमली स्वप्निल पटनी नाम डाल, आनंद सर नाम डाल, अर्षद जाजू नाम डाल, और रैंडमली कोई भी वीडियो तू देख ले और तुझे अगर वो कॉन्सेप्ट अगर तेरे को समझ में आ गया ना, इंटर का है कॉन्सेप्ट पर वो तुझे वो जो कॉन्सेप्ट नया है समझ में आ गया ना, तो मतलब समझ ले कि भाई पूरे बैच में तेरे को हर चीज ऐसे ही एकदम तोड़तार तरीके से समझ में आनी है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं। सो यू शुड डू दिस एक्सरसाइज एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट आप एक कंफर्टेबल माइंडसेट के साथ आप 15th ऑफ जून से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो एकदम, फिर माहौल मचाएंगे डे वन से। जी हाँ बिल्कुल, बेशक आपको बहुत मजा आएगा। आनंद सर आपसे सवाल है, इन बैचेस में क्या दो सवाल जो लोगों के दिल में होते हैं, एक अगर मैं घर पे बैठा हूं मुझे डाउट आया तो क्या होगा? अब देखो लाइव स्ट्रीमिंग में तो डाउट हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्शन से सॉल्व करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, बट अगर मैं ओटीटी लेता हूं, मैं गूगल ड्राइव पेंट, तो मेरे डाउट का क्या होगा, ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये, क्या ये लेक्चर्स जो पढ़ाएंगे हम लोग क्या वो लेटेस्ट अमेंडेड लेक्चर्स होंगे, क्या वो नवंबर 21 मई 22 के लिए एप्लीकेबल होंगे? आनंद सर ओके सो बच्चों बात ऐसी है एकदम सिंपल कि whether it is, I'm not talking about only advanced accounts, for all the four subjects I'm telling you, कि आप सभी को latest updated lectures मिलेंगे, which will include the latest of the RTP, मतलब जो latest material अभी institute के through issue हुआ है, वो है RTP, और उसके बाद में अभी exam हो जाएगी, तो वो exam का जो paper आएगा, वो, तो including all those things will be solved in the class itself, okay? So you don't have to worry about कि amended lectures है कि नहीं, सारे amended होंगे। Point number two, queries का कैसा है? तो queries का क्या करते हैं हम? कि जब लाइव सेशंस होती है तो उसके अंदर जो क्वेरीज आंसर होती है तो वो तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर हो ही जाएगी, तो जब आप लेक्चर्स देखोगे तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है तो बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ सकती है तो क्वेश्चंस को फ्रेम कर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक बहुत नॉवेल कंसेप्ट इस बार सर ने इंट्रोड्यूस किया, स्वप्निल सर ने, और वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको स्कैन करना है, जैसे आप इंस्टाग्राम पर देखते हो एक स्कैन आता है आपके नाम से जिसके थ्रू QR कोड इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली क्वेरी के सेक्शन में पहुंच जाएंगे और वहां पर आप क्वेरी डाल सकते हो। और उसके अलावा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेरीज है, ताकि आपकी जो क्वेरीज आती है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेरीज में अगर आप सर्च करेंगे तो वो क्वेरीज का भी आपको आंसर्स मिल जाएगा, तो इस तरीके से क्वेरीज आपके आंसर हो जाएगी। वी ऑलवेज मेक श्योर दैट योर डाउट इज सॉल्व्ड इन 24 आवर्स, यू डोंट हैव टू वरी कि हम लोग फेस टू फेस करना चाहते थे पूना आके पढ़ना चाहते थे, डोंट हैव टू वरी गाइस, जो आपको पूना आकर मिलने वाला था वो आपके अपने घर पे बैठे एनीवेयर एनी टाइम मिल रहा है, आप अपने कन्विंस के हिसाब से अपने पेरेंट्स के साथ में रह के एक अच्छी माहौल में आप पढ़ सकते हो, तो यू डोंट हैव टू वरी, वो दिमाग से आपको निकाल देना कि मैं फेस टू फेस जा सकता था। कम ऑन गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, पूरी दुनिया ने अपने आप को चेंज किया, यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ एज फॉर द चेंजिंग एनवायरनमेंट, सो डोंट हैव टू वरी, आपको सब कुछ उतना ही बेनिफिट मिलेगा जैसे कि फेस टू फेस क्लासेस में मिलने वाला था। हर्षद आपसे सवाल है, अगर मान लो लाइव स्ट्रीमिंग बैच में अगर बच्चे का अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो क्या उसको बैकअप मिलेगा वहां पर? Absolutely. So, बच्चों देखो कैसा है ना कि अभी recently we have conducted group one का classes, we have been successfully conducting foundation के classes and they are going fantastic, मतलब mind blowing. और इसमें होता है, it's a practical problem कि कुछ बच्चों का कभी कभी सर इंटरनेट कनेक्टिविटी छूट जाती है, कभी किसी emergency के वजह से वो lectures नहीं देख पाते हैं। तो guys, जब भी आपका किसी भी reason के वजह से कोई भी lectures और कितने भी lectures आपके छूटे,
आपको फिकर करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हुआ विद इन 3 to 4 hours वो एसपीसी ऐप पे आपके पास वो लेक्चर अवेलेबल हो जाता है। सो वी मेक श्योर दैट कि उस दिन का लेक्चर आपको उसी समय पे मिल जाए, उसी दिन पे मिल जाए, ताकि आप जैसे आपका टाइम मैनेज करके आप डे एंड तक आपको लेक्चर देख लो, ताकि नेक्स्ट डे आप उसी जोश के साथ क्लास के कंटिन्यूएशन में रहो और सारे लेक्चर्स आप सीमलेसली विदाउट एनी डिफिकल्टी आप देख सको। एंड आई वुड लाइक टू सर लाइव, अच्छा आप बोलिए सर। ये जो लेक्चर्स जो बैकअप हर्षद जिनकी बात कर रहे थे, वो लेक्चर आपके एग्जामिनेशन तक आपके साथ में होंगे, यानी कि अगर आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया तो दैट लेक्चर विल बी अवेलेबल ऑन द एसपीसी एप्लीकेशन टिल योर एग्जामिनेशन। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। एक चीज बार बार लोग मुझे पूछते थे जिनसे मैंने पूछा था, तो सर हमारी टेस्ट कंडक्ट होगी क्या? सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आपकी क्लास के हर एक पोर्शन होने के बाद में, एक स्पेसिफिक पोर्शन, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पोर्शन होने के बाद में आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, ना किसी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, उसके आंसर को इवैल्यूएट करके आपको आपके आंसर्स बताए जाते हैं, जहां पे एक, आपको एक ऐसा माहौल मिलता है कि पूरे भारत भर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स एक साथ में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, देयर पेपर्स आर गेटिंग इवैल्यूएटेड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेयर डू यू स्टैंड एग्जैक्टली। तो आपको ना कि सिर्फ आपके पेपर देने जाना है, आपको यह भी समझता है कि पूरे इंडिया के लोगों के बीच में मैं किस जगह पर स्टैंड करता हूं, आखिर मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है। उसके बाद में हम लोग पूरे सिलेबस होने के बाद भी आपकी टेस्ट कंडक्ट करवाते, because aapko yaad hoga when you were appearing for 12th examination and foundation you had appeared for multiple test series also, so uske it has got its own benefit, so ye sari cheezon ko maddenazar rakhte hue hum log aapka ca intermediate bhi wahi pattern ko follow karenge। ji anand sir aap kuch keh rahe the? sir main ye keh raha tha ki live batch ke bare mein ek confusion jo rehta hai jo main bachcho ko bataunga ki usme hai na bachcho ko sabse bada benefit kya hai ki ek bar live lectures dekh le aur uske baad mein unko future mein jaake kabhi revise bhi karna hai तो उनके पास बैकअप लेक्चर हमेशा रहेंगे विद वन व्यू। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मतलब एक तो लोअर कॉस्ट में यू गेट टू व्यूज, पॉइंट नंबर वन। और दूसरी चीज क्या है कि सर लाइव बैच के साथ साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी आता है कि यू गेट रिवीजन आल्सो। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें पेन ड्राइव में भी होती है और गूगल ड्राइव में भी होती है, ओटीटी में भी होती है, बट इसके साथ में एक रिदम बनकर जो काम होता है ना और जो फ्रेंडशिप बनती है बच्चों की वो बहुत ही मजेदार होती है, नेक्स्ट लेवल होती है। तो मैं जनरली बच्चों को क्या बोलता हूँ कि ऐसी जगह पे रहो जहां पर अपने आप एक ऑरा बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है, और उसके बेसिस पर आप जब काम करते रहोगे तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू स्टडी। और उसी सर्कल में रहते हो तो पढ़ाई भी आपको ऑटोमेटिकली मन करता है कि जैसे सारे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं तो चलो अपन भी कर लेते हैं, तो वो एक माहौल बन जाता है वैसे। और बैक टू बैक आपकी चार क्लासेस हर रोज होती है तो आपको एक क्लास का फील आता है कि हाँ ये क्लास हो गई, अब वो क्लास बाकी है। तो हम लोग चारों के आपस में इतनी इस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को वो समझना और सारी चीजों को मैनेज करना बड़ा ही आसान हो जाता है। कई बार डिसिप्लिन भी बन जाता है। हाँ जी, और कई बार स्टूडेंट का ये भी सवाल आता है हर्षद कि हमारी क्लासेस जब हो जाएगी उसके बाद में जब एग्जामिनेशन में एक दो महीने बचेंगे तो फिर हम लोग कैसे रिवाइज करेंगे? हर्षद क्या बोलना चाहेंगे आप? तो बच्चों मतलब ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, एविडेंस के साथ बोल सकते हैं कि आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए कि एग्जाम के पहले वन डे बिफोर एग्जाम के रिवीजन सेशंस लेते हैं हम लोग, मैराथॉन्स कंडक्ट करते हैं। सो आपके मतलब जो है ना एसपीसी जो है ना आपके लिए एग्जाम के साथ साथ है, एग्जाम तक है, एग्जाम के बाद भी है। सो यू नीड नॉट वरी, है ना, वी आर देयर विथ यू थ्रू आउट योर जर्नी। कि जब तक मतलब आपको सीए बना के छोड़ेंगे यार, आप उसका टेंशन मत लो, है ना। सो यू गाइस नीड नॉट वरी, ऑफ कोर्स दे हैव टू स्टडी एज वेल, और नो डाउट यू हैव टू स्टडी। और आपको ये कह दे यही एक इंडिया की एक्सक्लूसिव टीम है कि जहां पे आपको ऐसा बताना नहीं चाहिए, बट जहां पे हम लोग वी आर, ऐसा नहीं कि हम आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट, कि वी हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट, जैसे हर्षद ऑडिट पढ़ा रहे हैं, आनंद सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वी हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट सिंस लॉन्ग, मतलब लगभग तो मैं ही इन सब्जेक्ट को 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर्षद पढ़ा रहे, आनंद सर पढ़ा रहे, तो मतलब इन सब्जेक्ट का पूरा हमने निचोड़ लिया। तो हमने इतनी मेहनत की है ताकि आपकी मेहनत बहुत कम हो जाए, और जाहिर सी बात है जब आप व्हेन यू स्टार्ट वॉचिंग डेमो लेक्चर्स तो आपको समझ जाएगा कि हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। ओके, सो आई थिंक एक बात मुझे आनंद सर आपसे पूछना है कि जब बच्चा घर पे पेन ड्राइव से पढ़ रहा है या ओटीटी गूगल ड्राइव से, तो कौन सी बातों को उसने ध्यान रखना चाहिए कि ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए? क्या क्लास के बाद में रेगुलरली उसने पढ़ना चाहिए? क्या उसने होमवर्क करना चाहिए? क्या करना चाहिए, हाईलाइटर और वो सब कुछ सारी चीजें सामग्री के साथ में काम करे, या क्या करे, उसका ध्यान कितना, मोबाइल कितना यूज करे, क्या होना चाहिए? हर्षद आप भी जवाब देंगे, आनंद सर आप भी जवाब दें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। सो पहली बात तो क्या है सर, अभी इस पीरियड में ना मानसिक संतुलन बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर रखे। मानसिक संतुलन मतलब दे नीड टू बी हैप्पी,
और फिर साथ साथ उनके साथ में एक चीज ध्यान में रखनी कि अभी की जो 6 महीने की मेहनत है उनको जीवन भर एक ऐसी चीज दिला देगी कि जिसकी वजह से कभी एम्प्टी स्टमक नहीं सोएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये काम जो कार्य करना है बहुत डिसिप्लिन में करना है और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन रहेगी, तो किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। रेगुलरली लेक्चर कंप्लीट करना है, रेगुलरली होमवर्क कंप्लीट करना है, जो जो टेस्ट सीरीज दी है उन टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करें, मतलब जो जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं क्लास में उन सभी इंस्ट्रक्शन का काटोकार पालन करें और साथ साथ खुश रहकर काम करेंगे तो मुझे लगता है बहुत आसानी से चीजें हो जाती है। और काफी सारे लोगों ने अपने यहाँ पर कंप्लीट किया भी है बाय पेंट्रेक। यस अर्षद, गुड आंसर। और देखो कैसा ना, जैसे होमवर्क की बात जो होती है ना, तो आप समझने की कोशिश करो कि जब हम भी स्टूडेंट्स थे ना तो हमको भी पसंद नहीं आता था यार कि क्या है होमवर्क करना है, ये टीचर्स को काम नहीं है यार, होमवर्क दे देते हैं। बट अब जब हम लोग ये साइड में आए हैं ना तो हम लोग को पता चलता है कि यार ये कॉन्सेप्ट आज डिलीवर किया है, अब बच्चे ने इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, जब इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करेगा तो इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सो आप है ना, ये जो कर रहे हो, ये एफर्ट जो ले रहे हो, ये आपके लिए एफर्ट ले रहे हो, इतना भूलना मत आप। कि किसी को लगता है कि पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं मेरे मम्मी पापा के लिए एहसान कर रहा हूँ कि किसी और के लिए कर रहा हूँ, क्या नहीं बेचा, इसमें तेरा करियर बनेगा तो ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट है ना यहाँ पे, ये तेरा टीनेज का इन्वेस्टमेंट है। लोग पूछते हैं सर सीए की फीस कितनी है, सर सीए करने में कितना खर्चा आता है, भाई ये सब खर्चा रिकवर हो जाता है आर्टिकल चिप के स्टाइपेंड में। किसी का पैसा, एमबीए करोगे तो बहुत पैसा जाता है बट ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ पैसा नहीं आता है, बट सीए के आर्टिकल शिप में मोस्ट ऑफ द अमाउंट यू रिकवर। बट सो सर एक इंपॉर्टेंट चीज जो जाती है वो है टीनेज। तो भाई ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसको बहुत ज्यादा वैल्यू करना है आपने, और एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करो, सक्सेस विल बी योर्स। जैसे आप 10th में पढ़ते थे कि सर हमें स्कोर करना है, 12th में आप पढ़ते थे स्कोर करना है, आप कभी आपका इंटेंशन ये नहीं होता था कि हमें पास होना है। तो प्लीज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सीए में आके आपका एटीट्यूड मत चेंज करिए। आप हमेशा सीए में आके सोचते हो कि चलो मेरे को पास होने के लिए पढ़ना है, डेयर टू थिंक डिफरेंट। आप जो आपके बेसिक्स है कि मेरे को सिर्फ स्कोर करने के लिए पढ़ना है 10th में, वैसे ही आप वही एटीट्यूड आप आपके सीए के एग्जाम्स में भी रखिएगा प्लीज। और जैसे कि बस इतना ही आपसे उम्मीद करेंगे कि जितना भी आपको फैकल्टीज रोज पढ़ाएंगे आपको उतना कम से कम करना है, बाकी हम लोग क्लास में बहुत कुछ करवाते हैं। साथ साथ में अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि सर ये मोबाइल पर दिखेंगे कि हाँ ये लेक्चर मोबाइल पर भी दिखते हैं, ये लेक्चर्स लैपटॉप पर भी दिखते हैं, आप आपकी कन्वीनियंस सुविधाओं के हिसाब से इसको जहां चाहे वहां पे इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और रही बात एसपीसी में हम लोग जो पढ़ाते तो इट इज नॉट ओनली एकेडमिक ओरिएंटेड, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं हम आपको मोटिवेट करें, हम आपको थोड़ा सा दुनिया के जो लेटेस्ट जो चलने वाली खबरें हैं, जो अपडेटेड न्यूज है, आप तक जो बिजनेस ओरिएंटेड बातें हैं आप तक पहुंचाए, आप तक ना कि सिर्फ सीए करते करते हम लोग इतना डूब जाए कि हम लोग दुनिया को भूल जाए, इस तरह का हम नहीं चाहते। We want you to become a perfect chartered accountant, जहाँ पे आपको दुनियादारी भी समझे, जहाँ पे आपको अपने health wise, आपके fitness wise, ये सारी चीजें भी आपको समझे। हम ये हमेशा सोचते हैं, CA is not life, it is just a part of life। हम CA में कामयाब भी होंगे और साथ साथ में लाइफ में भी अपना बैलेंस मेंटेन करेंगे, यही हमारा पूरा क्लास के दौरान उद्देश्य होता है। आप सभी ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, अगर आपको पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई डाउट्स भी अगर होते हैं इसके बाद में, अगर इफ यू नो something more about it, so please आप हमें यहाँ पे comment box में comment कर सकते हो। साथ साथ में इस पूरे video के दौरान या last में आपको कुछ contact number हमारे executive के मिल सकते हैं, which they will help you to get yourself registered on swapnilpatni.com। आपको कैसे buy करना है, कैसे books आते हैं, so हमारे executive आपको जरूर help करेंगे, उनका number भी इस वीडियो के साथ में दिया जाएगा। अगर आपको और भी इसके अलावा कोई और डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। हर्षद सर, आनंद सर, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। उम्मीद है कि हमारे इन बातों से स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, बस मिलेंगे 15th of June को, राइट? 15th of June को मिलना है। और टाइमिंग प्लीज सर, सबसे पहले जो होगा लेक्चर भाई का, मतलब रॉकस्टार का जो लेक्चर होने वाला है सुबह 8:45 to 11 o'clock स्वप्निल सर का जो लेक्चर होने वाला है ईआईएसएसएल का, तो भाई पहला ही लेक्चर है, ऐसे आप में जोश भर देगा कि मतलब आप वो एनर्जी है ना, आप में लावा फट के आएगा आपके अंदर का। और फिर उसके बाद और उसके बाद सेकंड लेक्चर होगा मेरा, माहौल भाई और खींचेंगे हमारे हर्षद भाई उसके अंदर और जोर का माहौल एकदम नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे आपका मोमेंटम पूरा आप रखेंगे। 11 से लेकर 1 बजे तक उनकी क्लास होगी,
भाई पूरा माहौल खींचेंगे। ऑडिट का जो सब्जेक्ट है, जो लोग कहते हैं थियोरेटिकल है, बोरिंग है, बट ही ट्राइज टू मेक एवरीथिंग वेरी स्कोरिंग, बहुत ही लेक्चर में माहौल बनाते हैं। उसके ठीक बात है, आपका आपके साथ में आप जुड़ जाते हो आपके फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट टीचर के साथ में। आनंद सर आपको पढ़ाएंगे, आनंद सर 1:30 बजे, राइट? राइट राइट, यस सर, 1:30 बजे, यस यस। और 1:30 बजे से लेके लगभग 3:30-3:45 तक आनंद सर पढ़ाएंगे आपको। थोड़ा सा ब्रेक, जैसे लंच के लिए भी ब्रेक मिल रहा है आपको आधे घंटे का, उसके बाद में आनंद सर आधे पौन घंटे का ब्रेक है सर। क्या बात, आधा पौन घंटे का ब्रेक। आनंद सर के क्लास होने के बाद में फिर से हम लोग माहौल बनाएंगे आपके साथ में। मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फिर फाइनेंस की दुनिया में जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, यू विल लव इट, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ऑल द सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट के बिहार में बात करना चाहूंगा। अर्षद क्या आपको लगता है, yes, बच्चों को मजा आएगा सर? अरे एब्सोल्युटली यस सर, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि ग्रुप टू के जो सब्जेक्ट्स है ना, दे आर मोर, मतलब जैसे ग्रुप वन में टैक्स है, ये है, जैसे दे आर मोर कनेक्टेड टू प्रैक्टिकल लाइफ एंड थ्योरी, बट जब ग्रुप टू की बात करते ना सर, इट इज मेजरली, मतलब सब्जेक्ट्स भले ही थ्योरेटिकल है, उनका एप्लीकेशन 100% प्रैक्टिकल है। जैसे अपन EISSM की बात करें, जो टेक्नोलॉजी हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं आज के तारीख में, फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ऑडिट की जब बात करते हैं, तो यही तो अपन सारे सब्जेक्ट्स को कुल मिला के जो हम लोग कंपनीज का वेरिफिकेशन करते हैं, और एडवांस अकाउंट्स में जो अपने बेसिक अकाउंट्स में पढ़ा था, उसका एक नेक्स्ट लेवल जाके हमको और विस्तार में पढ़ना है कि मतलब नाम में है भाई एडवांस अकाउंट, तो इट इज गोना बी रॉकिंग। और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगी बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मतलब जब जो डे वन पे होता है अपना, तो वो आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन में इतनी बार भी आपको वो रिवाइज कराया जाएगा, प्रैक्टिकल सिनारियोस दिखाए जाएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच बताया जाएगा मैं इसको किस तरीके से करना है, क्या करना है। सो ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा यार। मतलब इधर एक चीज ऐड करूंगा सर, देखो अपन सभी फैकल्टी की जो तरक्की है ना, तो वो तरक्की डिपेंड करती है किस पर, अपने बच्चों की तरक्की पर, अपने बच्चों के मार्क्स पर। तो एसपीसी क्या करता है ना कि जैसे सारे सब्जेक्ट्स की बात करूंगे, तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट कि हाउ आर स्टूडेंट्स विल बेनिफिट, या उनकी प्रोग्रेस कैसे होगी, क्योंकि उनकी जैसे ही प्रोग्रेस हुई तो मान लीजिए कि अपनी प्रोग्रेस होनी तय है। और बच्चों को मैं बस मैं इतना ही बताऊंगा कि अगर आपको ये आता है ना कि वेदर एसपीसी टीम इज यू नो यूनिक वन एंड वेदर इट इज केपेबल ऑफ यू नो टेकिंग ऑल दिस स्टफ, तो हमारी तरक्की देख लो आप, हमारी तरक्की देख लो आप, गूगल पर सर्च कर लो आप, हमें देख लो, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कितने लोगों का हमको प्यार हासिल हुआ है। सो दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू नो। और 15th को, और 15th को आके एक्सपीरियंस भी करना है आपको उससे। यप यप यप, 100%, वी आर गोना मीट ऑन 15th। एक बात जो मुझे बताना है, जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो लोग 15 तक वेट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड लेक्चर भी आज की तारीख में उपलब्ध है। जिन्होंने ऑलरेडी लिए वो भी एंजॉय करें, जो अभी भी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड मोड पर अवेलेबल है, तो वो पुराने रिकॉर्डिंग के साथ में हमने अमेंडमेंट्स को डाल दिया। अगर आप वो भी खरीदते, वो भी रजिस्टर करते, वहां पे भी आपका लॉस नहीं हुआ, क्योंकि कई स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे सर नया रिकॉर्डिंग नहीं, हमें पुराना रिकॉर्डिंग लिया है, भाई साहब उसके साथ में अमेंडमेंट्स डाल कर दिए हैं, आपको वहां भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने पुराने बैच को रजिस्टर किया है तो आपका कुछ नुकसान हुआ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, लेट मी क्लियर दैट, आपने तब भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ अगर आपको फ्रेश पढ़ना है तो 15 से, अगर आपने एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग लिया है, there's no loss, yeah, nothing to worry about, yes yes, so yes, sir, yes. इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि बच्चों लेटेस्ट क्वेश्चंस भी जो ऐड हुए ना, वो सब अमेंडमेंट्स के रूप में डाल दिए गए। तो मान लो किसी सब्जेक्ट में अमेंडमेंट नहीं भी है ना, तो उसके अंदर जो भी एडिशनल क्वेश्चंस आए वो भी डाल दिए गए लेक्चर्स, तो बच्चा देख सकता है उस पर, है ना? So don't worry, guys, thank you so much once again, right. Everybody, thank, yes, you, yes, thank, yes, you, bye-bye, thank you, bye-bye, bye-bye, thank you, bye-bye, thank you so much, take care, bye, thank you so much.